इंडिया के युवा खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की बचा के रख दिया यार। नो कोहली, नो शेरेस आयर, नो केएल राहुल, नो जसप्रीत बुमराह, उसके बावजूद ठुकाई कर दी है सही तरह से इंग्लैंड की यार। पाकिस्तानी कुछ घंटू ने बोला था कि बैस बॉल इंडिया को एक्सपोज करेगा, बैस बॉल इंडिया को हराएगा, बैस बॉल ये करेगा, बैस बॉल वो करेगा, पकड़ के बजा दिया उन्होंने आज, यकीन करो छनकना बजा दिया इंग्लैंड का। कहाँ का बेसबॉल है, कहाँ का इंडिया के साथ खेल रहा है, कहाँ है बेसबॉल, है कहाँ पे, कहाँ पे बेसबॉल, बेसबॉल नजर तो नहीं आया ना मैच के अंदर, तुन्ने के नहीं तुन्ने, ठोका के नहीं ठोका इंडिया ने, और क्या चाह रहे हैं। इंग्लैंड की इतनी बड़ी बेइज्जती इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी है, इस तरह से इंग्लैंड की टीम को जलील होते हुए इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि आप जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जाए और सीरीज में जो आप 4-3-1 से पीछे हो। जो बड़े बेसबॉल का इनको गरूर था ना, वो तो इनका तीसरे टेस्ट मैच में टूट गया था, चौथे मैच में आगे तो इनका जो वो थोड़ा बहुत जो रह गया था ना, वो कहते हैं हमदा वाला गया था, वो भी खत्म कर दे। ध्रुव जुरेल, रिमेंबर द नेम, क्या खिलाड़ी है यार, प्रेशर सिचुएशन का मास्टर है यार। इंडिया के नौजवानों को आप जितनी मुश्किल से मुश्किल में डालो, वो उससे अच्छे से अच्छा बाहर निकल के आ रहे हैं यार। क्या बात, ये बात है, सही बात है। ये हिंदुस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह पेल दिया। दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर इस टेस्ट मैच को 3-1 से अपने नाम करी। दोस्तों, कल इंग्लैंड की टीम फुदक रहे थे कि भारत को हराने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को बताया टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। इंग्लिश टीम ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम इस तरह कमबैक करेगी। इस शानदार जीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं। इंडिया के युवा खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की बचा के रख दिया यार। नो कोहली, नो शेरेस आयर, नो केएल राहुल, नो जसप्रीत बुमराह, उसके बावजूद ठुकाई कर दी है सही तरह से इंग्लैंड की यार। जुरेल, रिमेंबर द नेम, क्या खिलाड़ी है यार, प्रेशर सिचुएशन का मास्टर है यार। टर्निंग ट्रैक है, स्पिनर ट्रैक है, अपनी गेम के अगेंस्ट खेलना पड़ रहा है। हार्ड हिटिंग करते हैं, छक्के लगाता है, तेज खेलने वाला स्ट्राइकर है यार। मतलब इंडिया के नौजवानों को आप जितनी मुश्किल से मुश्किल में डालो, वो उससे अच्छे से अच्छा बाहर निकल के आ रहे हैं यार। छक्के मारने वाले खिलाड़ी को रोकना पड़ रहा है, वो डिफेंस अच्छा कर रहा है। पेसर को अच्छा खेलने वाले गिल को, स्पिनर को खेलना पड़ रहा है, वो अच्छा खेल रहा है। कमाल ही है यार, क्या कमाल का दिन रहा। पाकिस्तानी कुछ घंटू ने बोला था कि बैस बॉल इंडिया को एक्सपोज करेगा, बैस बॉल इंडिया को हराएगा, बैस बॉल ये करेगा, बैस बॉल वो करेगा, जबकि इवन के इंग्लैंड वाले भी इस कोशिश के साथ आए थे, ये उम्मीद लेके आए थे कि हम इंडिया में बैस बॉल को सक्सेसफुल करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ तो घंटा बजा, हुआ तो छनकना बजा इंग्लैंड का, हुआ तो इंग्लैंड के साथ वो हुआ जो इंग्लैंड के साथ कोई भी नहीं कर पाया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को बैस बॉल के साथ 3-0 मारा। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड में जाकर डोमिनेट किया बैस बॉल में। इंग्लैंड ने एशिज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डोमिनेट किया बैस बॉल में। लेकिन इंग्लैंड एक टीम के आगे आके अपनी टांगे खोल गए, इंग्लैंड ने एक टीम के आगे आके अपनी हार मानी, उस टीम का नाम है इंडिया। इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया, इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को कम से कम यह बता दिया कि बेटा आपके बस की बात नहीं है, हमें हमारे घर में हराना। पकड़ के बजा दिया उन्होंने आज, यकीन करो छनकना बजा दिया इंग्लैंड का। बड़े भाई बनते थे वही, हम 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म करते हैं। हमारे पास बॉलिंग लाइन जिमी एंडरसन है, हमारे पास मार्कवुड है, हमारे पास स्पिनर बहुत बहुत बड़े हैं, हम तो पकड़ लेंगे किसी भी टीम को। इंडिया ने घर बुला के जलील किया ना, जब तब इनको पता लगा कि बेसबॉल क्रिकेट सिर्फ आप यूरोप में नहीं खेलते हो, एशियन हमारे पास इंडियन टाइगर्स भी हैं जो कि बेसबॉल क्रिकेट खेलना सिखा सकते हैं आपको। ऐसे बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, अगर आपने नंबर वन बैटिंग लाइन देखनी है वो हमारे पास इंडिया के पास है, नंबर वन बॉलिंग देखनी है वो भी इंडियन के पास है, स्पिनर्स इंडिया के पास है यार, ऑलराउंडर इंडिया के पास है। उनके आप क्रिकेट ग्राउंड देख लो, जिस तरीके से वो क्रिकेट से प्यार करते हैं ना, लाइक मैं तो कहता हूँ इंडिया जन्म में क्रिकेट का गोड़ बन चुका हुआ है। इंडिया की टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। एक टाइम ऐसा था कि लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम इस मैच में वापसी कर ले, लेकिन नहीं। शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग की है कि बिल्कुल इंग्लैंड के जो बॉलर्स है ना, उन्हें बेबस करके रख दिया। और 72 रन की जो पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के दरमियान, उसके बाद इंग्लैंड के हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। इंग्लैंड की
इतनी बड़ी बेइज्जती इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी है। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को जलील होते हुए इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि आप जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जाए। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा किस तरह भारत ने इंग्लिश बॉलर यानी इंग्लैंड को मार मार के दुम्बा बनाया। दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम इस तरह कमबैक करेगी। दोस्तों जुरेल और सुमन गिल ने पूरी दुनिया को बताया टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। दोस्तों कल इंग्लिश मीडिया भारत का खूब मजाक उड़ा रहे थे। दोस्तों आज भारत ने इंग्लिश मीडिया और पूरी दुनिया को बताया टेस्ट क्रिकेट इस तरह जीती जाती है। भारत ने इंग्लैंड को चौथा टेस्ट मैच में हराकर 3-1 से सीरीज भी अपने नाम करी है। पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर तारीफ करी क्योंकि दोस्तों इस वक्त भारत जिस तरह टेस्ट क्रिकेट खेल रही है पूरी दुनिया तारीफ करने पर मजबूर हो चुकी है। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।